तो दोस्तों कैसे आप सभी, मैं आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों मैं महेश आर्य आपके इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद आपका ही करना चाहता हूँ, क्योंकि आप जिस तरीके से मुझे कहानियाँ लगातार भेज रहे हैं, ठीक आपने चैनल पर जाकर नोटिस भी किया होगा, मैं हर दूसरे या तीसरे दिन कहानियाँ ज़रूर ला रहा हूँ। मुझे अक्सर एक सवाल भी आता है कि लॉन्ग स्टोरी डाला करो। दोस्तों आपको बता दूँ कि हर दूसरे दिन लॉन्ग स्टोरी डालना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैं अक्सर संडे को लॉन्ग स्टोरी स्पेशल लाता हूँ, जिसमें मैं कई कहानियों को जोड़कर एक कहानी बनाता हूँ। बाकी दोस्तों अगर आपको मेरी आवाज़ अच्छी लगती है और आप चाहते हैं मेरी आवाज़ में कहानियाँ सुनना, तो कहानी सुनने के बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। कहानियों के बाद मैं आप सबको वहीं मिलूँगा। तो दोस्तों बिना देरी किए जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों मेरा नाम आकाश यादव है और मैं 20 साल का हूँ। मैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले का रहने वाला हूँ और ये बात मेरे साथ पिछले साल घटी थी। साथियों मुझे बचपन से ही भूत प्रेतों में बहुत इंटरेस्ट था और मुझे ये सब चीज़ें करने और देखने में बहुत मज़ा आता था। साथ ही मैं आपका वीडियो बहुत टाइम से देखता आ रहा हूँ और मुझे आपकी वीडियोज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। जब आपके 15,000 सब्सक्राइबर थे तब से मैं आपकी वीडियो देख रहा हूँ। लेकिन मैंने आज तक आपको अपनी कहानी नहीं भेजी थी, पर अब मैं भेजना चाहता हूँ। सच कहूँ तो ये कहानी मेरे साथ ही घटी हुई है। हालांकि मैं खुद एक यूट्यूबर हूँ, मेरा चैनल है यूट्यूब पर यूपी की गलियाँ। मैं अक्सर उसमें क्या करता हूँ, मैं रात में जाकर हॉन्टेड प्लेस एक्सप्लोर करता हूँ। तो बात की शुरुआत करता हूँ, मैं अक्सर देर रात जाकर अलग अलग जगहों को एक्सप्लोर करता हूँ, वहाँ की वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर डालता हूँ। इसी तरह मुझे एक खबर मिली कि मेरे घर से कुछ ही दूरी पर, मतलब 12 किलोमीटर दूर एक गांव है सिरकोनी। उधर एक बगीचा है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, मतलब वहाँ किसी ना किसी को कुछ ना कुछ दिख ही जाता है। ठीक जब ये बात मेरे दोस्तों को पता चली कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, तो यकीनन मुझे एक बार को तो सबने जाने से मना कर दिया, जिसके बाद मैं सोच में पड़ गया कि अब मैं क्या करूँ। मैंने ठीक दूसरे दोस्तों को बनाया और वो दोस्त एकदम से तैयार हो गए। मैं ठीक रात के 12 बजे निकला। हम लोग रास्ते में ही थे, हमें कुछ ही दूरी पर एक घर जैसा दिखाई दिया। हमने आपस में बातचीत करी कि इतने सुनसान एरिया में किसका घर हो सकता है। हमने ठीक उस घर के पास जाने का सोचा। हम जैसे ही उस घर के पास पहुंचे तो मालूम चला कि वो घर नहीं एक गौशाला है। हम लोग उस गौशाले में घुस गए। वहां पर हमें कई गायें दिखी जो कि मर चुकी थी और कुछ जिंदा थी, साथ के साथ कुछ मरने की हालत में भी थी। मैंने तुरंत प्लान बनाया कि अब इस गौशाले को एक्सपोज करना है, उस भूतिया बागीचे को हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे। मैंने तुरंत ही वीडियो बनवाना शुरू किया और पूरी वीडियो बना डाली। मैं जब तक वहाँ वीडियो बना रहा था तब वहाँ से बहुत गंदी बदबू आ रही थी। एक बार को तो लगा कि जब किसी की मौत हो जाती है और उसे सही टाइम पर हटाया नहीं जाता तो बदबू तो आती ही है। पर खैर, मैं जब उस गौशाला के बाहर की वीडियो एडिटिंग करने लगा तब मुझे जस्ट पीछे एक बांस की छोटी सी कोठी टाइप दिखी। उसके ठीक नीचे मटके में एक टोटका रखा था, यानी मेटी को लाल कपड़े से बांधा गया था। साथ ही चप्पल कंघी श्रृंगार का सामान रखा हुआ था। वीडियो बनाने के चक्कर में मेरा पैर अचानक उस टोटके पर पड़ गया, पर मैंने उस वक्त इस बात की केयर नहीं की। मैं चुपचाप वीडियो बनाता रहा। इसके कुछ ही देर बाद मेरी तबीयत खराब होने लगी। मैं वीडियो खत्म करके चुपचाप घर आ गया। घर आया तो मेरी तबीयत और ज़्यादा खराब होने लगी। मैंने घर पर दवाई भी ली लेकिन फिर भी आराम नहीं हुआ। धीरे धीरे मेरे साथ घटनाएं घटने लगी। जब मैं रात को सोता तो लगता छत पर जैसे कोई चल रहा हो। कई बार जब मैं सोता तो अपने दांतों को पीसता और गुर्राता। कहीं ना कहीं मैं समझ चुका था कि हो ना हो ये उसी टोटके की वजह से हो रहा है। पर दोस्तों ये बात मैं अपने घर पर नहीं बता सकता था, क्योंकि अक्सर जब भी मैं बाहर जाता था वो सब मेरे घर वालों को बिल्कुल पसंद नहीं था, और तो और उन्हें मेरी वीडियो बिल्कुल पसंद नहीं आती। एक डर ये भी था घर वालों को ना बताने का। लेकिन दूसरी तरफ मेरी तबीयत लगातार खराब होती जा रही थी। घर वाले भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर मुझे हो क्या रहा है। मेरी प्लेट्स 40,000 तक आ गई थी। फिर मैंने अपने एक दोस्त जिसका नाम रुद्र था, मैंने ठीक उसकी माँ को ये बात बता दी। अक्सर उनकी माँ की बात मेरी माँ से होती थी। उन्होंने माँ को एक दरगाह भी बताई जहाँ इसका उपाय था।
माँ को जब ये बात पता चली तब मैंने बहुत डांट खाई, लेकिन मेरे घरवाले इस बात को बहुत गहराई में ले गए। वो ठीक मुझे उसी दरगाह पर लेकर गए। वहाँ पहुँचने के बाद मैंने देखा कि वहाँ पर और भी कई सारे लोग थे, अजीब अजीब से एक्टिविटी कर रहे थे, जैसे कोई दरगाह की दीवार पर चढ़ रहा है, कोई सिर पटक रहा है, कोई नाच रहा है तो कोई झूल रहा है। मैंने देखा कि उनमें से एक लड़की जो झूल रही थी वो कभी उल्टी होती और कभी सीधी। अचानक जब उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो उसने मुझे घूरना चालू कर दिया। सच कहूँ तो उसे देखकर मुझे डर लगने लगा। पर खैर, कुछ ही देर में वो मौलवी जी आए, जिन्होंने बिना पूछे सारी बात खुद ही बता दी। उन्होंने भी ठीक यही कहा कि जो कुछ भी हुआ है ये उसी टोटके की वजह से हुआ है। तुम्हारे पीछे एक साया लग चुका है जो अभी भी तुम्हारे साथ है, लेकिन वो दरगाह के बाहर खड़ी है, उसकी नज़र बस तुम पर है। दोस्तों, इतना सुनते ही मेरी हवा टाइट हो गई, लेकिन उन मौलवी जी ने झाड़ फूंक की। उन्होंने मंत्रित पानी पिलाया और कुछ ताबीज़ भी बांधे, जिसके बाद मैं थोड़ा सा ठीक महसूस करने लगा। ऐसा लगा कि जैसे मानो कंधे से बोझ उतर रहा हो। मेरी माँ लगातार मुझे देख रही थी। घर जाने के बाद उन्होंने मुझे एक बार और डांट लगाई। दोस्तों, साथ ही साथ मुझे एक ऐसी बात समझ में आई जो कि मैं चाहता हूँ आप लोग ऐसा ना करें। दोस्तों, सबसे पहली बात, ये जो काम हम करने की कोशिश कर रहे हैं, सच कहूँ तो हर कोई फेमस होना चाहता है, मगर ये नहीं जानता कि इसमें खतरा कितना ज़्यादा है। ये टोने टोटके तो अलग, अगर रात को आपको गुंडे मिल जाए या कोई चोर, फिर आप क्या करेंगे? कभी आपने ये सोचा है? इसीलिए दोस्तों, मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि आप जीवन में कुछ भी करिए, लेकिन ऐसा काम कभी मत करना जिसके बाद आपके साथ साथ आपके घर वाले भी परेशान हों। बस इतनी ही थी ये कहानी। आइए दोस्तों, चलते हैं अपनी दूसरी कहानी की ओर। आइए सुनते हैं। दोस्तों, ये कहानी भूमिका की है। आइए उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। मेरा यह इंसिडेंट रिसेंटली हुआ है, अप्रैल 2024 में। मैं जयपुर से अलवर गई थी अपनी फैमिली के किसी काम से। उस वक्त मैं अलवर ट्रेन से गई थी। अलवर स्टेशन उतरने के बाद मुझे थोड़ा जल्दबाजी थी, क्योंकि मुझे 3 घंटे के बाद ट्रेन से वापस भी जयपुर निकलना था। मैंने ठीक अलवर में अपना काम करने के बाद वापस जयपुर रिटर्न हो गई। इसके बाद जब मैं अपने फ्लैट पर पहुंची तो थकान के कारण नहा धोकर सो गई। नहीं मालूम क्यों, पर रात को सोते समय मुझे बहुत गंदे गंदे सपने आना स्टार्ट हो गए। सपने के अंदर मुझे बार बार कोई आदमी दिखता जो कि मेरे ऊपर हावी होके कभी मेरे साथ फिजिकल होने की कोशिश करता तो कभी मेरा गला दबाता। खैर, जब मैं अगले दिन सुबह उठी तो उसके बाद मुझे बहुत तेज़ सर दर्द होना स्टार्ट हो गया। नॉर्मली मैं आपको बता दूं कि मुझे ये सब बहुत नया नहीं लगा, क्योंकि हमारा जो घर है वहाँ की ज़मीन को पहले से ही काफ़ी नेगेटिव बताते हैं। सच कहूँ तो हम सभी लोगों ने बचपन से काफ़ी चीज़ें देखी हैं, हालांकि इतना नुकसान कभी किसी का नहीं हुआ, और जिसका अपना घर होता है कोई भी अपना घर छोड़कर नहीं जाना चाहता। साथ में आपको एक बात और बता दूं कि मुझे माइग्रेन डिप्रेशन भी है, तो अक्सर मुझे हेडेक होता रहता है ज़्यादा टेंशन लेने के कारण। खैर, जब उस वक्त मैं सुबह उठी तो मेरे सर में काफ़ी तेज़ दर्द होने लग गया। ये सब चीज़ें मेरे साथ 4-5 दिन चली, रोज़ सपने के अंदर गंदी चीज़ें दिखाई देना, और अलवर आने के बाद से सर दर्द भी पहले से ज़्यादा हो गया। दोस्तों, ऐसे ही धीरे धीरे मुझे चिड़चिड़ापन होने लग गया, बिना बात के गुस्सा आना, कभी भी गुस्से में किसी को भी गाली दे देना। इसके बाद जब 8वें दिन सपना आया तो उसमें कुछ ऐसा था कि मैं एक रूम में थी और 2 लड़कियां और थी, जिसमें एक लड़की मेरे पास आकर फिजिकल होने की कोशिश कर रही थी। मेरे सपने में मेरी पूरी बॉडी बिल्कुल जाम हो गई थी, सिर्फ मेरी आंखों से आंसू जा रहे थे। उसके बाद अचानक से वो लड़की एक आदमी में बदल गई। वो ठीक मेरे ऊपर आकर मेरी बॉडी नोचने लगा। वो अपनी गंदी सी जीभ से मेरे फेस को चाटने लगा। मैं सपने के अंदर ही उसको दूर हटाने की कोशिश कर रही थी। मैंने अपने हाथ पैर चलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं मूव नहीं कर पा रही थी। मैंने हनुमान चालीसा बोलने की भी कोशिश की, लेकिन मुझे वो पूरी नहीं आती है। लेकिन हनुमान चालीसा की कोशिश करने के बाद वो चीज़ अचानक से गुस्से में आ गई। उसने एकदम से हटकर मेरा सीधा पैर मोड़ दिया। उसके बाद अचानक से मेरी नींद खुल गई। सच कहूँ, मुझे बहुत गंदा फील होने लगा था, जैसे कि ये सब कुछ सच में हुआ हो। खैर, मैंने ये सब बातें इग्नोर कर दी। सेम डे सुबह 10 बजे के आसपास कचरे वाली गाड़ी आती है। मैंने किचन से डस्टबिन उठाया और उसको फेंकने के लिए स्टेयर से नीचे उतरने लगी। नहीं मालूम अचानक उस वक्त ऐसा क्या हुआ, मैं स्टेयर से नीचे गिर गई। मैं करीब 9 से 13 सीढ़ियाँ नीचे आकर गिरी। मेरा रूम
फर्स्ट फ्लोर पर है। गिरने के तुरंत बाद मुझे कुछ भी पेन फील नहीं हुआ, लेकिन करीब 1 से 2 घंटे बाद मेरे सीधे पैर से कमर तक बहुत तेज दर्द होने लगा। इसके बाद मैंने खुद की नज़र भी उतरवाई। बट मैं आपको बता दूं कि मैं अजमेर में स्टडी के लिए रहती हूं। इस वक्त मैं 24 साल की हूं। नज़र उतरवाने के बाद मुझे थोड़ा अच्छा फील हुआ। जब मैंने पैर को डॉक्टर को दिखाया तो उसमें माइनर फ्रैक्चर था। इसके बाद मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मैंने डेली रूटीन कंटिन्यू रखा। एक दिन करीब दिन के 3 बजे अचानक लाइट चली गई। काफ़ी देर तक लाइट नहीं आई, इवन शाम के 7 बज गए। लाइट ना होने की वजह से गर्मी बहुत लग रही थी। मेरे सभी फ्लैटमेट सब टेरिस पर चले गए। मैं गर्मी से इतना परेशान हो रही थी कि मैंने सोचा नहा धोकर मानसरोवर साइड थोड़ा घूमने चली जाती हूँ, मेरे माइंड में थोड़ा रिलैक्स भी हो जाएगा। मैं फ़ोन की टॉर्च जलाकर बाथरूम में नहाने गई। उस वक्त बाथरूम में आधी बाल्टी ही पानी थी। मैंने उसी पानी से थोड़ा एडजस्ट करा। मैं जैसे ही बाहर निकलकर रूम की तरफ जाने लगी तो मुझे अचानक से मेरी फ्लैटमेट की रूम से आवाज़ आई। आवाज़ कुछ इस तरीके थी जैसे कोई किसी को इशारे से बुलाता है। एक बार को तो लगा कि शायद मेरी फ्लैटमेट मेरे साथ मजाक कर रही है। मैंने इस बात को इग्नोर कर दिया, लेकिन वो आवाज़ वापस से दोबारा आई। मैंने उससे कहा कि मुझे डर नहीं लगा, ये ट्रिक मुझ पर यूज़ मत करना, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद मैंने नीचे से टेरेस की तरफ देखकर मेरे फ्लैटमेट को आवाज़ दी। उसने मुझे जवाब दिया कि हाँ दीदी कहो। दोस्तों उस टाइम मैं थोड़ा डरी, मैं अपने रूम के अंदर वापस आई, कपड़े वगैरह चेंज करके कैब करके निकल गई। दोस्तों इन चीज़ों को होते हुए लगभग 15 से 20 दिन हो गए थे। कई बार तो रात को सोते टाइम ऐसा लगता कि जैसे रूम में कोई चेयर पर बैठा है, और कई बार ऐसा भी लगता जैसे कोई बेड के कोने पर बैठा है। एक बार तो ऐसा हुआ कि मेरे पिलो मेरे सर से हटकर अपने आप ही नीचे गिर गया। सच कहूँ तो मैं काफ़ी इरीटेट होने लग गई थी। उसके बाद मेरे को किसी ने बोला कि तुम कहीं से झाड़ा दिलवा लो, शायद कुछ फ़र्क पड़ जाए। दोस्तों मैंने पता नहीं क्यों मेरा खाटू श्याम जाने का मन होने लगा। मैंने जैसे तैसे टाइम निकाला और मैं खाटू श्याम गई। उसके बाद वहाँ दर्शन करके अजमेर आकर हमारी फैमिली की एक दरगाह है, वहाँ पर मैंने बाबा से झाड़ा लगवाया। इन सब के बाद से चीज़ों में काफ़ी बदलाव आया। लेकिन दोस्तों इस कहानी में मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई कि जिस दिन मैं अलवर गई थी तो उस दिन मेरे चौराहे पर पैर पड़ गया था। बाकी मेरे पास काफ़ी रियल इंसिडेंट है। मैं महेश जी आपको ज़रूर टाइम निकाल कर ये सारे इंसिडेंट बताऊंगी। आई रियली लव योर वॉइस। लड्डू गोपाल आपको तरक्की दे। धन्यवाद। तो दोस्तों ये थी भूमिका की कहानी। मुझे उम्मीद है आपको इनकी कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। इसी के साथ चलते हैं तीसरी कहानी की ओर, आइए सुनते हैं। मेरा नाम हरीश है। यह डरावनी कहानी मेरे एक दोस्त की है। मेरा दोस्त जब 14 साल का था तब उसकी माँ की डेथ हो गई। पिताजी भी शराबी थे, थोड़े टाइम बाद वो भी मर गए। अब मेरा दोस्त उनके मामा मामी के साथ रहता था। इस वक्त वो 24 साल का हो चुका है। मामा के दोनों लड़कों की शादी हो चुकी है। अब ठीक उनकी बड़ी वाली बहू मेरे दोस्त से बहुत चिढ़ती थी। हालांकि मेरे दोस्त को मामा मामी अच्छे से रखते थे, पर बड़ी भाभी बहुत ज़्यादा चिढ़ती थी। एक बार भाभी ने मेरे दोस्त पर गलत इल्ज़ाम लगाया। उसने कहा कि इसने मेरे साथ गलत हरकत करने की कोशिश की है, और जबकि मेरे दोस्त ने कुछ भी नहीं किया था। ये सब उसको घर से बाहर निकालने की चाल थी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। मामा मामी ने उसको घर से बाहर निकाल दिया। दोस्तों साथ ही एक बात और आपको बता दूं, मेरे दोस्त को बचपन से ही लगता था, उसको एहसास होता था कि शायद कोई ना कोई उसकी हिफाजत करता है। और तो और ठीक उसी रात मेरे दोस्त की माँ उसके सपने में आई। माँ ने कहा कि बेटा फिक्र मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं तेरे साथ हूँ। दोस्त की जब आंखें खुली तो पाया कि ये तो सिर्फ सपना था। उस वक्त उसको कुछ भी समझ में नहीं आया। जिंदगी में पहली बार उसको ये सपना आया था। दूसरे दिन उसको मालूम पड़ा कि मामा की बड़ी बहू उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो बहुत ज़्यादा डर चुकी है। उनका कहना है कि उसे किसी औरत ने बहुत मारा। कहने लगी कि सबको सच बता दे कि तूने झूठा इल्ज़ाम लगाया। उसने कहा ठीक है पर मुझे मत मारो। फिर दूसरे दिन उसने सबको सच बता दिया। दोस्तों मेरे दोस्त के मामा मामी बहुत शर्मिंदा थे, बोले बेटा हमको माफ़ कर देना।
मेरे दोस्त का दिल साफ था, उसने माफ कर दिया। मामा मामी ने कहा कि बेटा चलो वापस घर चलते हैं, लेकिन मेरे दोस्त ने साफ साफ मना कर दिया। उसने कहा कि मैं अब उस घर में नहीं रहूंगा, उसने दूसरी जगह पर घर ले लिया। दोस्तों वो गवर्नमेंट में जॉब करता है, तो आज वो वहाँ पर मैनेजर है। उसने खुद का घर भी ले लिया है और उसने ठीक एक बाबा को भी दिखाया, तो पता चला कि तुम्हारी माँ बचपन में जब तू छोटा था तभी तुझे छोड़कर चली गई थी, वो तब से लेकर अब तक तेरी हिफाजत करती है। जब कभी भी तेरे साथ कोई बुरा होगा तो वो उसको नहीं छोड़ेगी। दोस्तों ये सारी बातें सुनने के बाद मेरे दोस्त की आंखों में आंसू आ गए। आज उसे पता चला कि वो जो भी एहसास करता था शायद वो उसकी माँ ही है। माँ उसे कहीं दिखाई नहीं देती, लेकिन वो उसे महसूस कर पाता है। दोस्तों ये सारी की सारी बातें मेरे दोस्त ने खुद मुझे बताई थी। कहता है कि माँ का प्यार है जो मरने के बाद भी बच्चों की रक्षा करता है, इसे हम एक तरह से पूर्वज भी कहते हैं। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हर बार कहानियाँ एक जैसी नहीं होती, कई कहानियों के पीछे कुछ कारण भी छुपे होते हैं। साथ ही दोस्तों मैं अपने साथ बीती एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। मैं एक एल्यूमिनियम की फैक्ट्री में काम करता हूँ। बता दूँ कि मुझे मेरे काम की वजह से ज़्यादातर बाहर ही रहना पड़ता है। एक बार एक साइट पर काम चल रहा था, वो बहुत बड़ा घर था, उसमें बहुत सारे कमरे थे। उस वक्त मैं और मेरे 5 दोस्त वहाँ गए थे। दरअसल वो घर बहुत दूर था, मेरे साथ मेरे कारीगर भी थे, मैं ठीक उनको लेकर वहाँ पर गया हुआ था। हम पूरे दिन वहाँ बैठकर काम करते और रात के ठीक 11 बजे बाहर से खाना मंगवाते। सब कुछ करने के बाद हम सब वहीं सो गए। हम सब एक लाइन से सो गए थे, रूम बहुत बड़ा था। लेकिन रात को अचानक 1 बजे मेरी आंखें खुली। मैंने देखा कि एक लंबा सा आदमी एक दीवार से चलता हुआ दूसरी दीवार में घुस गया। ये सब देखकर मुझे बड़ा अजीब लगा। एक बार को तो ऐसा लगा कि जैसे मैंने कोई सपना देखा हो। तभी उनमें से मेरा एक दोस्त उठा, उसने कहा कि मुझे वॉशरूम जाना है। मैं ठीक उसके साथ उठकर वॉशरूम की तरफ चला गया। जब हम वॉशरूम से वापस आ रहे थे तो हमने उस आदमी को फिर से देखा। हम दोनों की तो एकदम हालत ही खराब हो गई। जैसे तैसे हम दोनों रूम में आ गए। मेरे दोस्त ने कहा कि ये क्या था। मैंने तुरंत ही मेरे साथ जो हुआ था मैंने उसे बता दिया। कहने लगा कि बस ये रात निकल जाए, कल हम यहाँ से चले जाएंगे, ये जगह ठीक नहीं लग रही। दोस्तों यकीन कीजिएगा वो पूरी रात हम सो नहीं पाए, बस भगवान का नाम ले रहे थे। हमने दूसरे दिन ये सारी बातें अपने सभी दोस्तों को बताई, फिर हम लोग वहाँ से वापस आ गए। सच कहूँ तो ऐसा एक्सपीरियंस मुझे बहुत बार हुआ है। कई बार मुझे मेरे काम की वजह से दूर दूर जगहों पर काम पड़ता है। बाकी माता रानी का मुझ पर आशीर्वाद है, मुझे कभी कुछ नहीं हुआ, बस मैं इन सब चीज़ों को महसूस कर पाता हूँ। साथ ही सर का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मेरी स्टोरी को आप लोगों तक पहुँचाई, धन्यवाद। आइए दोस्तों चलते हैं अगली कहानी की ओर। मेरा नाम देवांश है, ये कहानी 2022 की है। उस वक्त मेरे मामा की लड़की की शादी थी, यही कोई दिसंबर का महीना था। ठीक मैं और मेरी माँ साथ ही मासी और उनके बच्चे सब गए थे। शादी बहुत धूमधाम से हुई। वहाँ पर मेरे मामा की लड़की थी, उसकी एक दोस्त थी, उसको ठीक एक लड़का पसंद था और वो लड़का उसके घर के पीछे रहता था। दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, लेकिन जैसे ही उसके घर वालों को मालूम पड़ा तो उसकी शादी करवा दी। पर कहीं ना कहीं वो लड़का अब भी उससे मिलता था। एक दिन उस लड़की के पति ने उन दोनों को बातें करते हुए पकड़ लिया, उसने उस लड़के को बहुत मारा। न जाने ऐसा क्या हुआ कि उस लड़की ने फांसी लगा ली। उसने वीडियो भी बनाया था फांसी लगाते हुए। उस वक्त वो लड़का बनारस में पढ़ रहा था, लेकिन उस लड़के ने ये बात किसी को नहीं बताई कि उस लड़की ने मुझे वीडियो भेजा था। 4-5 दिन बीतने के बाद वो लड़की लड़के को दिखाई देने लगी, परेशान करने लगी। एक रात जब वो लड़का सो रहा था कि तभी अचानक उसे किसी ने बेड से नीचे गिरा दिया। कोई था जो उसका गला दबाने लगा। एक आवाज़ थी जो उसे अपने साथ चलने के लिए कह रही थी, पर लेकिन वो लड़का ये बात अपने माता पिता से छुपा रहा था। थकार कर एक दिन उसने ये बात अपने घर पर बताई। माता पिता इस बारे में विचार विमर्श कर ही रहे थे कि इसे किसी पंडित या तांत्रिक को दिखाते हैं, पर तब तक देर बहुत हो चुकी थी। वो लड़का इतना डिप्रेशन में चला गया कि उसने भी फांसी लगा ली। उसके घर वालों का रो रोकर बुरा हाल था। लेकिन दोस्तों असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। उस लड़के की 13वीं
सब कुछ हो गया, हर कोई अपने अपने घर चला गया और अपने अपने कामों में व्यस्त हो गया। लेकिन इसके 2-3 दिन के बाद एक लड़का था, वो अपने टेरेस से ऐसे ही इधर उधर देख रहा था। तभी उसकी नज़र उस घर पर पड़ गई जहां पर उस लड़के ने फांसी लगाई थी। उसने देखा कि उस छत की टेरेस पर 2 परछाइयां घूम रही थी। जब उन दोनों का ध्यान उस लड़के पर गया तो लड़के ने जैसे ही उनका चेहरा देखा तो वहीं पर बेहोश हो गया। धीरे धीरे उनकी परछाई पूरे गांव में दिखने लगी। कई बार तो वो आत्माएं धीरे धीरे सबको परेशान करने लगी। फिर एक दिन पता नहीं कहां से एक अघोरी बाबा आए। उनको देखकर सबके मन में एक शांति सी हुई। सबके सब ये सोचने लगे कि अब बाबा जी से इस बला से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही बाबा ने पूजा की बात करी और ठीक शाम को उनकी बताई हुई जगह पर पहुंचे तो तांत्रिक मरा पड़ा मिला। गांव में एक तरह से दहशत फैल गई। सबने मिलकर बहुत से तांत्रिक को दिखाया पर कोई उनकी मदद करने को तैयार नहीं था। फिर एक दिन किसी ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में कोई सिद्ध बाबा है। गांव वालों ने तुरंत देरी ना करते हुए वहां जाना ही ठीक समझा। वहां पहुंचकर उन्हें पता चला कि इस चीज को ठीक करने के लिए 5 तांत्रिक और 2 पंडित लगेंगे। इसके बाद जब वो उस गांव पहुंचे तो उनके सामने अचानक से एक पेड़ टूटकर गिर गया जिसकी वजह से वो मरते मरते बचे। खैर, सामग्री वगैरह जमा होने के बाद पूजा स्टार्ट हुई। गांव वाले अंदर ही अंदर थोड़ा डरे हुए भी थे, लेकिन अचानक से उन दोनों की आत्मा एक आदमी के शरीर पर नाचने लगी। कहने लगी कि जब तक उसे उसके पति की बलि नहीं मिल जाती तब तक वो इस गांव को छोड़कर नहीं जाएंगे। पंडित और तांत्रिक ने उन्हें बहुत समझाया लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं माने। आखिरकार तांत्रिक को उन्हें भगाना ही पड़ा। कहते हैं कि उन दोनों की आत्माओं को एक पेड़ से बांध दिया गया है और ठीक उस पेड़ के चारों तरफ पत्थरों का घेरा बनाया गया है। देखने में वो पेड़ सब में अलग ही नजर आता है। पर खैर, मैं सर का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ मेरी पहली 2 कहानियाँ इतनी जल्दी अपने चैनल पर लाने के लिए। मैं बस ऐसे ही आपको स्टोरी शेयर करता रहूँगा, बस आप यूं ही जल्दी जल्दी कहानियाँ लाते रहें। धन्यवाद। आइए दोस्तों, एक छोटा सा किस्सा और सुनाया चलता हूँ। मेरा नाम खुशबू है, मैं गोरखपुर से हूँ। मैं सर की बहुत पुरानी सब्सक्राइबर हूँ। ये मेरे भांजे की दोस्त की कहानी है। उसका नाम सूरज है, उसके दोस्त का नाम मुझे नहीं पता, पर बात 2 दिन पहले की है। 3 दोस्तों में से एक का जन्मदिन था। सारे दोस्तों ने सरप्राइज रखा कि रात को बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। साथ ही आपको बता दूं कि यहाँ पर एक कुसमी जंगल है, उस जंगल में वो सारे दोस्त गए। रात के ठीक 12 बजे वो नहीं जानते थे कि वो मुसीबत में पड़ने वाले हैं। उन्हें ये ज़रा भी एहसास नहीं था कि कोई ना कोई उन्हें देख रहा है। हालांकि उन्हें थोड़ा थोड़ा शक हुआ लेकिन उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। सोचा जंगली तो है, कुछ भी नहीं होगा। पर खैर, कहीं ना कहीं उनकी गलती तो थी। सब ने मिलकर केक काटा और एक दूसरे की फ़ोटो खींचने लगे। फ़ोटो खींचने वाले ने देखा कि दोस्त के बगल में कोई खड़ा है, बिल्कुल काले साए की तरह। ये सब देखकर सब बड़ी तेज़ी से भागे, जिसमें एक दोस्त की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। यहाँ तक कि उसे तो हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। और तो और दोस्तों, उसकी हालत अभी भी सीरियस है। अब देखो आगे क्या होता है। नहीं मालूम उसके साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी कैसे हो गई। बस इतनी ही थी ये कहानी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानियां। दोस्तों, आपको आज की कहानियां जरूर पसंद आई होगी। मुझे अच्छा लगता है जब लोग इस तरीके की कहानियां भेजते हैं। मैं चाहता हूं कि सभी इसी तरीके की कहानी भेजें। मैं खुद भी चाहता हूं कि लोगों को कुछ नया सुनाया जाए, लेकिन मैं बनावटी कहानी नहीं सुनाना चाहता। बस आप इस बात पर यकीन कीजिए। धन्यवाद।